इस वक्त करीब 3.75% की तेजी के साथ दिन के उच्चतम स्तर पर यह ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट अगर आप कंपेयर देखोगे जैसे हमने एसबीआई पे डिस्कस किया, सेम वे अगर कैनरा बैंक की भी मैं बात करूं तो क्लियर कट यहां पे भी एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से बीटीएसटी भी कर सकते हैं या तो फिर मेरे हिसाब से थोड़ा कल भी हम वेट कर सकते हैं सेंस ऑफ के 338 या तो 340 का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस है। हमने लास्ट दो बार देखा है कि काउंटर 340 को क्रॉस नहीं कर पा रहा है तो थोड़ा कंडीशनल बाय भी रखना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हम ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। कोई भी अगर छोटी सी नेगेटिव न्यूज भी आती है तो मार्केट वोलेटाइल काफी कुछ करता है और नीचे के लेवल्स वापस देखने को लगते हैं। तो थोड़ा उस कंसेंसस के हिसाब से आई वुड रिकमेंड के आज नहीं बट कल सुबह आप देखिए, अगर कल ये 338 या तो 340 के ऊपर भी इंपैक्ट अगर गैप अप होता है तो वो और कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करेगा और मेरे हिसाब से 340 के ऊपर ही लॉन्ग करके जाना चाहिए कैनरा बैंक। अगर ये 340 का लेवल क्रॉस करता है इस बार ही तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि 360-380 तक के लेवल्स हम कैनरा बैंक में देख सकते हैं। तो अगेन कंडीशनल भाई 340 के ऊपर आप बाय कीजिए, 330 का स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 360। कैनरा बैंक पर ये रहा आपको मिलते हुए चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। एक दिन का इंतजार करने के बाद भी यहाँ पर हम खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं।